ओम शांति। मैं आत्मा, इस शरीर का नाम नीरज। मैं ब्रह्माकुमारी संस्था से 2014 में मैंने ज्वाइन की। उससे पहले भक्ति करता था परमात्मा शिव की। रेगुलर एक दिन भी मिस नहीं करता था। मंदिर जाना रोज, और वहाँ पर शिवलिंग पर लोटी चढ़ाना, दूध की, लस्सी की, ये मेरा रेगुलर नियम था। कोई भी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने नियम का पक्का था। तब तक खाना पीना कुछ नहीं, जब तक मैं शिव के मंदिर में जाकर उस पर अपने लोटी अर्पित नहीं करता था। ये मेरा पक्का नियम था। मीं आज कुछ भी आए, चाहे जितना मर्जी पानी हो, लेकिन पहले जाकर मंदिर में जाकर शिव को उसकी आराधना करनी, शिव चालीसा पढ़ना, और उसके बाद ही मैं कुछ भी खाना पीना, कुछ भी लेना, उसके बाद ही लेता था। लेकिन जब मैं मंदिर जाता था तो एक वहाँ पर मेरे मन में एक सवाल उठता था कि शिवलिंग जिसकी मैं आराधना करता हूँ, जिसको मैं अपना आराध्य मानता हूँ, जो मेरे परमपिता परमात्मा है, वो उसके सामने शंकर जी का चित्र होता था। तो मैं सोचता था कि ये इन दोनों में परमात्मा कौन है। तब तो पता नहीं था, तब तो एक ही चीज़ थी, शिव और शंकर एक हैं। लेकिन एक मन में सवाल जरूर उठता था कि इनमें से परमात्मा कौन है। हम मानते थे परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर। हमने सुना था कि शंकर जो है वो श्री राम जी की पूजा करते हैं, और श्री राम वो शंकर जी की पूजा करते हैं। लेकिन परमात्मा कौन, इनमें से कौन? सभी कहते हैं कि परमात्मा एक है, तो वो कौन? अगर ये तीन हैं तो तीन में से तीन के वो, तब मैं सोचता था कि तीन के ऊपर भी कोई है जो जिनकी ये, अगर शंकर की जी की भी आप देखें तो वो तपस्या में लीन रहते थे, तो वो किसकी तपस्या में लीन रहते थे? ये मन में सवाल उठता था। तब ये सवाल मेरे काफ़ी साल चलता रहा कि आखिर इनमें से परमात्मा कौन है, कौन इन किन की ये पूजा करते हैं। विष्णु भगवान तो वैसे शेषैया पर बैठते, तो वो कहते, कुछ लोग कहते थे कि ये शिव की पूजा करते हैं, लेकिन शिव कहते हैं कि ये इनकी पूजा करते हैं। लेकिन ये मेरे मन में सवाल रहता था कि परमात्मा कौन है। उसकी खोज में काफ़ी सालों से था। फिर मैं एक जॉब करता था, तो जॉब में जब मैं जाता था तो मैं, कपूरथला मेरी जॉब थी, तो मैं जब जाता था तो मैं ओम की ध्वनि करता जाता था। शायद आधा किलोमीटर होगा यहाँ से, जलंधर से। तो लगातार मैंने 6 मंथ, 6 महीने ओम की ध्वनि करता हुआ वहाँ पर गया, और शायद परमात्मा ने मेरी आवाज़ सुनी कि ये मेरा भक्त, ये मुझे पुकार रहा है। इसको फिर मेरा जरिया कैसे बना, मेरे माता पिता, मम्मी पापा जो थे, वो एक दिन प्रोग्राम देख रहे थे, तो अचानक ही पीस ऑफ माइंड में शिष्य शिवानी को सुना। तो जैसे उनको सुना तो उन्होंने कहा कि ये, इनके विचार तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने सेंटर ढूंढा, सेंटर ढूंढ के यहाँ पर आए, 7 दिन का कोर्स किया। 1.5 महीने बाद मधुबन चले गए। मेरे को बोले कि मेरा नाम, घर का जो बब्बू है वो बोलते हैं, बब्बू तुम भी वहाँ पर जा, बहुत अच्छा है। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं 1 महीना गया नहीं, मैं एक महीना रेगुलर मैंने पीस ऑफ माइंड देखा, सिस्टर शिवानी
दादी जानकी को सुना, गुलजार दादी को सुना, और जैसे ही उनको सुना मेरे जो अंदर की मिसकंसेप्शन जो थी, जो मेरे मन में थी कि परमात्मा कौन है, कहाँ है और क्या उनका कार्य है, फिर मेरे को ये लगा कि ये संस्था है जहाँ पर मुझे वो चीज़ मुझे अनुभव हो सकती है, वो चीज़ मुझे मिल सकती है। तो मैं 1.5 महीने बाद शायद मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आते ही मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने घर में आ गया। मुझे यहाँ पर एक सेकंड के भी नहीं लगा कि मैं यहाँ नहीं आया कभी। मुझे ये लगा कि ये मेरा अपना ही घर है, और मुझे मालूम है कि जब मैं इस संस्था को मैंने ज्वाइन किया, इस फैमिली को ज्वाइन किया, तो मेरे मन के अंदर वो जो चीज़ें थी, वो हर्षो अलाश, वो आनंद की अनुभूति जो मैंने यहाँ पर प्राप्त की लगातार रेगुलर, मेरे को यहाँ पर 2014 से आज 2022 हो गए हैं, मतलब अराउंड 7.5 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन जो मैंने आनंद की अनुभूति यहाँ पर बाबा की मुरली सुनकर, बाबा के एक एक महावाक्य को सुनकर, उसको जो मैंने महसूस किया और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाया, उसको क्या सीखा मैंने यहाँ पर, कि एक तो पहली चीज़ जो अपना परिचय कि मैं कौन, दूसरा उस परम पिता परमात्मा जो ज्योति बिंदु निराकार स्वरूप है, और उसका परिचय पता चला कि वो एक ही है जिसको सभी धर्म की आत्माएं मानती हैं, और वो मेरा जो एक माइंड में था कि परमात्मा है कौन, किस स्वरूप में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वो मेरा क्लियर हो गया कि परमात्मा एक ही है, शिव, जो सदा शिव है, क्योंकि उनका नाम कभी बदलता नहीं। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि वो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, वो सदा शिव है, सदा शिव कल्याणकारी हैं, और उनकी छत्र छाया मैंने अपने ऊपर महसूस की। और वो जो पहले 2 साल जो थे मेरे, वो ऐसे थे जैसे कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। रियलिटी बताता हूँ, मैं हवा में उड़ता था, उनसे बातें करता था हर दम, बाइक भी चला रहा हूँ तो ऐसे महसूस हो रहा है कि वो मुझसे बातें कर रहे हैं, मैं उनसे बातें कर रहा हूँ। और मैं उनको बोलता था, बाबा, ब्रह्मा बाबा जिनके तन में आए शिव, मैं उनको बोलता था कि बाइक आपने संभालनी है, मैंने शिव से आप बातें करनी है, आपने देखना है मेरी उनके साथ जो बात हो रही है, कहीं टकराए ना, ये आपने देखना है। ये मैं महसूस करता था और रेगुलर ये मेरे साथ रहा। मेरी जीवन में क्या राजयोग सीखने के बाद क्या आया, जो मैंने सीखा कि नथिंग न्यू, जो भी हो रहा है वो कल्याणकारी है। ड्रामा का हर सीन, ड्रामा के हर सीन के बारे में पता चला, और जो दूसरों की बातों के ऊपर मैं रिएक्ट करता था, यहाँ पर आकर पता चला कि हर आत्मा का पार्ट अपना है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसका अपना पार्ट है, मैं अपना पार्ट प्ले करूँ, मैं उसकी बात को रिएक्ट ना करूं, मैं ये ना सोचूं कि जो मैं चाहता हूं वो करे, क्योंकि वो अपना रोल प्ले कर रही है, मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूं, मेरे रोल से उसको दुख ना पहुंचे, मेरे रोल से किसी को भी ऐसा महसूस ना हो कि उसके साथ मेरा कर्म बंधन बन जाए। और मेरा एक असूल है, मैंने एक जो पहले मेरे साथ हुआ, जिसके साथ भी मैंने अगर गलत किया या उसने मेरे साथ गलत किया, तो मैंने वो चीज़ मैंने क्लियर कर दी यहाँ पर से उस आत्मा से जिसके साथ मैंने कभी गलत किया था, मैंने उनसे परमात्मा शिव के सामने उसको हाजिर नाजिर करके उससे माफ़ी मांगी। अगर उसको
मेरे इस कार्य के कारण दुख पहुंचा है तो मैं उससे दिल से माफी मांगता हूं, और जिसने मेरे साथ गलत किया मैंने उसको दिल से माफ कर दिया। मेरी आज ये स्लेट, आज भी मैं रात को सोने से पहले मैं ये चीज़ देखता हूँ, कहीं किसी के साथ मेरा कुछ ऐसा कर्म बंधन तो नहीं बंधा, किसी के साथ मेरा कोई ऐसा कोई चीज़ तो नहीं हुई कि उसके साथ मेरा वो उसको दुख पहुँचाओ मेरे किसी बात से। अगर वैसे तो अटेंशन रहती है, लेकिन अगर फिर भी हो तो मैं उसको रात को सोने से पहले उसके उस वो चीज़ मैं अपने माइंड से उसको उससे माफ़ी मांग कर उसको क्लियर कर देता हूँ। मैं उसको नेक्स्ट डे के लिए नहीं रखता, मैं अपने आप अंदर से देखता हूँ कि मैं मेरे अंदर कोई किसी के प्रति कोई भी घृणा भाव कोई भी चीज़ कोई मेरे मन में रह तो नहीं गई। अगर रह गई तो उसको क्लियर करो, यहाँ पर क्लियर होगा तो आपका हर कार्य आप बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, आप हर डिसीजन बहुत अच्छे तरीके से लेंगे। ये यहाँ पर मैंने आकर सीखा, यहाँ पर आके सीखा कि कर्म हर बंदे जो भी कर्म करता है उसको उसका जो रिजल्ट है, अगर वो अच्छे कर्म कर रहा है, अच्छे संबंध है लोगों से, अच्छी उनकी व्यवहार है, तो वो उसको पे जरूर करेगा। अगर बुरा है आज नहीं तो कल वो सामने जरूर आएगा। ये चीज़ मैंने आकर यहाँ पर सीखी। और किसी के जो भी अगर कोई कार्य कर रहा है या बोल रहा है आपके प्रति या कुछ कह रहा है, तो वो अपना कार्य कर रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है, मुझे उसके कर्म के ऊपर अपना रिएक्ट नहीं देना। अगर मुझे लग भी रहा है, ये चीज़ें आपको कहीं दूर से नहीं आएंगी, ये पेपर कहीं दूर से नहीं आएंगे, ये आपके क्लोज सर्कल में जो आपके क्लोज हैं उनसे आएंगे। और ये चीज़ आप अपने माइंड में क्लियर रख लो कि वो रोल अपना प्ले कर रहा है। आपको लग रहा है कि वो आपके प्रति घृणा भाव है या कुछ है, तो आप उसको उस भाव से नहीं देखेंगे, आप उसको श्रेष्ठ भाव से देखेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, इसको भी सद्बुद्धि दे। अगर मेरे साथ इसका कुछ ऐसा रोल है या पुराना कोई कर्म मेरे साथ ऐसा बंधा हुआ है जिसके कारण ये मुझे दुख दे रहा है या मेरे संबंधों में कुछ ऐसा कर रहा है, तो फिर भी मैं उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करता। मैं उसको कहता हूँ, उसको परमात्मा के सामने, शिव बाबा के सामने, सुबह आप जब उठते हो अमृत वेला करते हो, उस वक्त उसको उस आत्मा को आप साकाश दे सकते हो, उस आत्मा के प्रति आप शुभ भावना श्रेष्ठ भावना रखो, तो निश्चय ही एक दिन जरूर वो बदल जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। कुछ आत्माएं जो ऐसी थी, लेकिन जैसे ही मैंने उनके प्रति शुभ भावना श्रेष्ठ भावना रखी तो वो धीरे 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 उसके उनके अंदर भी वो चेंज आने लगा। बाबा कहते हैं, परमात्मा शिव बाबा ने बोला, स्वयं परिवर्तन से ही आप दूसरों का परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप बदलेंगे, आपको देखकर आपका परिवार बदलेगा, आपको आपके परिवार को देखकर आपके मोहल्ले के लोग बदलेंगे, आपके मोहल्ले के लोगों को देखकर ये शहर बदलेगा, शहर बदलेगा संसार बदलेगा। ये परमात्मा यहाँ पर शिव बाबा हमें सिखाते हैं। राजयोग का यही मैंने जो आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, वो मैं आपके साथ, अगर आप भी इस प्रोग्राम को देखें या इस चीज़ को देखें कि हमने यहाँ आकर क्या प्राप्तियाँ की, क्या हमें मिला, परमात्मा वो दिखाई नहीं देता। कहे कोई एक किसी ने मेरे को पूछा कि आप उस संस्था में जाते हैं क्या, आप कहते हैं कि परमात्मा आया हुआ है, क्या आपको परमात्मा मिला? मैंने कहा मिला। कहते कैसे? मैंने कहा
ये महसूस करने की बात है। फूल की खुशबू आप महसूस कर सकते हो, किसी को दिखला नहीं सकते। परमपिता परमात्मा के फील कर सकते हो, उसके 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 साथ बातें कर सकते हो, उसके साथ वो आनंद की अनुभूति आप शेयर कर सकते हो, लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते। मैंने उनको एग्जांपल दी, मैंने कहा मैंने गुड़ खाया, मुझको पता है कि ये गुड़ मीठा है, मैं आपको बता सकता हूँ ये गुड़ मीठा है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस तभी होगा जब आप उसका स्वाद चखोगे। इसी तरह अगर आप भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस करना चाहते हो, इस चीज़ का अनुभव करना चाहते हो कि परमात्मा इस संसार में आए हैं, वो हमारा हमको चेंज करने का, हमें परिवर्तन करने का हमारे द्वारा कार्य करा रहे हैं, तो आप भी इस राजयोग को अवश्य सीखें। आप अपने इस अनुभव को अपने आप महसूस करेंगे। लेकिन एक होता है सीखना, पढ़ा, ज्ञान लिया, ज्ञान को तभी आप अनुभव में कर सकते हो जब तक उसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लेते। प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अपने उतारो, आपके अंदर के संस्कार जो अपने पुरातन संस्कार है, 63 जन्मों के संस्कार जो हमारे बने हुए हैं, वो धीरे धीरे जैसे आप अपने इन संस्कार, अपने पुराने संस्कार, बाबा ने समझाया कि हमारे पुराने संस्कार देवी देवताओं के संस्कार हैं। हम कहते हैं कि मेरा संस्कार बदलता नहीं, ये मेरा पुराना संस्कार है, लेकिन परमात्मा बाबा श्री बाबा ने बोला कि ये आपका संस्कार नहीं, आपका पुराना संस्कार तो देवी देवताओं का है। तो उस संस्कारों को आपने अपने अंदर स्मृति में लाओ कि देवी देवताओं के संस्कार कैसे थे, वो क्या करते थे, क्या कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, कैसे बोलते थे, ये सब चीज हमें बाबा मुरली में रोज समझाते हैं। एक एक महावाक्य उनका जो वो है वो अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन उसको अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में अपने लें तभी आप अपने को चेंज कर सकते हैं, तभी आप अपने अंदर वो पुराने जो आपके 63 जन्मों के संस्कार हैं उनको आप मिटा सकते हैं। क्योंकि संस्कार तभी बनते हैं जब आप उसको रोल ओवर आप करते हैं, डेली करते हैं। कहते हैं कोई भी आदत को अगर आपने अपने जीवन में लाना है तो उसको रेगुलर आप 21 दिन रेगुलर उस आदत को कर लें तो आपकी वो आदत रेगुलर बन जाती है, आपका रोल ओवर वो संस्कार बनना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह हम अपना परिवर्तन कर सकते हैं। मैंने अपने जीवन में काफ़ी परिवर्तन किया है और मैं और मेरा परिवार आज बहुत सुखी हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, वो भी महसूस करते हैं, हमारे रिलेटिव भी महसूस करते हैं कि इनके अंदर कुछ खास चेंज आई है। तो स्वयं परिवर्तन से ही हम दूसरों का परिवर्तन कर सकते हैं। मैं कहूं कि मैं दूसरे को परिवर्तन करूं, ये कभी नहीं हो सकता जब तक मैं खुद परिवर्तन नहीं। दूसरों की बातों को एक्सेप्ट, सबसे बड़ी बात एक्सेप्टेंस। अगर आप जिंदगी में ये सीख लिया आपने स्वीकार करना, जो जैसा है उस रूप में उसको स्वीकार करो, जैसा भी है। हो सकता है कि हमारे कर्म बंधनों के कारण, को पिछले कर्मों के कारण हमारे कार्मिक अकाउंट ऐसे हों कि वो हमारे साथ ऐसा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन आप अपने आप को खुद परिवर्तन करो, उसकी प्रति शुभ भावना रखो, डेफिनेटली ही विल चेंज, डेफिनेटली। मैंने ये अपने लाइफ में मैंने ये अनुभव किया हुआ है कि वो आत्माएं अपने आप चेंज हो गई। तो पहला कर्मों का बंधन, कर्म ऐसे करो कि जिससे किसी को आपके कर्म से दुख ना पहुंचे। दूसरा, हर आत्मा को जिस रूप में है उस रूप में स्वीकार करो।
हाँ हो सकता है कि आपके वो आत्मा के संस्कार कुछ ऐसे हो, लेकिन आप उसको उसके प्रति नेगेटिव मत सोचो, उसके प्रति भी शुभ भावना श्रेष्ठ भावना रखो, डेफिनेटली ही विल चेंज। तो ये मेरा अनुभव रहा आज तक, 7 साल 7.5 साल हो गए, और संपूर्ण तो नहीं लेकिन उस रास्ते पे जरूर चल रहा हूँ कि एक दिन उस मंजिल को जरूर पा लूँगा, और एक दिन परफेक्ट, बाबा कहते हैं परफेक्शन, और जिस दिन परफेक्ट हो गए इस दुनिया में आप नहीं रह सकते। तो परफेक्शन लानी है, परफेक्शन आएगी तभी जब आप अपने रेगुलर अपने प्रैक्टिकल लाइफ में एक एक चीज़ को अपने उन गुणों को धारण करेंगे। ओम शांति।